Let us continue chapter number 6. In the earlier video, we have studied about the administrative system in the villages. We have discussed about what was the form of administration in our previous video. In this video, we are going to learn about the literature and architecture during the medieval time. So, literature. During the Rajput age, there was a lot of religious writings as well as literature of various kinds. Scholars and education received great patronage from kings. राजपूत रूल के टाइम या राजपूत डायनेस्टी के टाइम जो है समय बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ या राइटिंग्स या लिटरेचर जो है साहित्य लिखे गए अलग अलग लैंग्वेजेस या अलग अलग भाषाओं में. स्कॉलर्स और एजुकेशन विद्वान और शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था और स्कॉलर्स को काफ़ी सम्मानित किया जाता था राजा के द्वारा. Many literary works were composed in Sanskrit, Prakrit, Tamil, Kannada, Telugu, etc. इनमें से बहुत सारे साहित्य जो लिखे गए और religious text जो लिखे गए, religious books लिखे गए, वो अलग अलग भाषाओं में लिखा गया, जैसे कि संस्कृत लैंग्वेज में, प्राकृत लैंग्वेज में, तमिल भाषा में, कन्नड़ भाषा में और तेलुगु भाषा, इन सब में लिखा गया. द ग्रेट संस्कृत पोएट मग कंपोज्ड द एपिक शिशुपाल वध. दिस एपिक डिस्क्राइब्स द किलिंग ऑफ शिशुपाल बाय श्री कृष्ण. और यहाँ पर बताया गया है एक महान संस्कृत कवि जिनका नाम था मग, जिन्होंने लिखा था एक महाकाव्य जिसे बोला जाता है शिशुपाल वध. इसमें बताया गया है कि कैसे श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था, उसके बारे में पूरी कहानी लिखी गई है. और ये लिखा था संस्कृत के महान कवि मग ने और इस महाकाव्य का नाम है शिशुपाल वध. सिमिलरली अनदर पोएट श्रीहर्ष रोट द एपिक नैषाद चरित्र विच इज अबाउट द स्टोरी ऑफ नल एंड दमयंती. इसी तरह से एक और जो पोएट जो थे, कवि जो थे श्रीहर्ष, उन्होंने एक महाकाव्य लिखा है या एपिक लिखा है जिसे हम जानते हैं नैषाद चरित्र के नाम से या चरिता के नाम से. और इसमें कहानी बताई गई है नल और दमयंती की. Even songs by Radha and other gopis sung in praise of Lord Krishna were presented in a lyrical manner. और बहुत सारे राधा और गोपियाँ जो श्री कृष्ण के लिए गीत गाती थी, उनको भी एक lyrical form में अलग अलग books में उस समय compose किया गया. इसके अलावा द बायोग्राफी एंड अचीवमेंट्स ऑफ द किंग्स वेयर ऑल्सो कम्पोज इन अ पोएटिक मैनर. उस समय के राजा जो थे उनकी जीवनी के बारे में, उनके बायोग्राफी या जीवन और उनके अचीवमेंट के बारे में भी बुक्स लिखे गए और एक कविता के रूप में उसे बनाया गया. हेमचंद्राचार्य रोट कुमारपाल चरिता based on the life of the Solanki king of Gujarat, that is Kumarpal, and a grammar book Siddham Shabdanusasan. हम सब ने हेमचंद्राचार्य का नाम सुना है. He was a great scholar. और जब Solanki dynasty गुजरात पे रूल किया करती थी तो उसके कोर्ट पोएट हुआ करते थे श्री हेमचंद्राचार्य. इन्होंने कुमारपाल चरिता लिखा है जिसमें कि पूरी
पूरे जीवन के बारे में, एक राजा जो हुआ करते थे कुमारपाल सोलंकी डायनेस्टी के, उनके जीवन और उनके अचीवमेंट के बारे में उन्होंने इस बुक कुमारपाल चरिता में बताया है। एक ग्रामर की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था सिद्धेम शब्दानुशासन, और इसका कंट्रीब्यूशन जैसा नाम से पता चल रहा है, सिद्धेम मतलब सिद्धराज जयसिंह और हेमचंद्राचार्य ने इसको कंपोज किया था, मतलब इन दोनों का नाम इस बुक से जुड़ा हुआ है। सिद्धराज जयसिंह एंड हेमचंद्राचार्य आर एसोसिएटेड विद दिस बुक। दिस बुक वॉज कंसिडर्ड सो इम्पॉर्टेंट दैट इट वॉज प्लेस्ड ऑन एन एलिफेंट ड्यूरिंग अ प्रोसेशन इन पाटन। इस बुक को इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि ऐसा बोलते हैं इतिहासकार कि एक जुलूस या रैली निकाला गया और इस बुक को एलिफेंट या हाथी के पीठ पर रखकर पूरे राज्य में प्रोसेशन निकाला गया। सो दिस वॉज सम ऑफ द इंफॉर्मेशन डेट वॉज रिलेटेड टू लिटरेचर ड्यूरिंग द राजपूत एज और मेडिवल एज। सो ये कुछ लिटरेचर और कुछ लिटरेरी वर्क्स जो थे, बुक्स जो थे या एपिक जो थे, महाकाव्य थे, उनके बारे में जानकारी हमने प्राप्त की लिटरेचर सेक्शन में। नाउ लेट अस कंटिन्यू एंड मूव ऑन टू आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द मेडिवल एज। सो आर्किटेक्चर, among the various constructions during the Rajput age, temples constructions is noteworthy। राजपूतों के रूल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या देखने लायक चीज़ है तो वो है मंदिरों का निर्माण। The Rajput kings were fond of constructing grand and artistic buildings। The architecture and sculpture of that time is evident from the temple, fort, palaces, lakes, etc। और राजपूतों को टेम्पल, मंदिर या फोर्ट या पैलेसेस बनाने का बहुत शौक था, इसीलिए ज़्यादातर जो किले हमें देखने को मिलते हैं, जो मंदिरें देखने को मिलती है, जो राजमहल होता है, झील जो देखने को मिलती है, उसको देखकर हम पता लगा सकते हैं या हमें पता चलता है कि राजपूत जो थे काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स। Now among the temples, Khajuraho in Madhya Pradesh and Puri temple of Lord Jagannath are famous for their architecture and sculpture। पूरी दुनिया में या हमारे देश में खजुराहो टेम्पल जो है, मंदिर जो मध्य प्रदेश में है, और जगन्नाथ का जो मंदिर है जो पूरी उड़ीसा में है, वो काफ़ी फेमस है। ये भी इसी समय बनाया गया, मेडिवल एज या राजपूतों द्वारा बनाया गया है। द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वॉज ऑल्सो बिल्ट ड्यूरिंग दैट टाइम। इसके अलावा जो सूर्य मंदिर है कोणार्क का, वो भी, उसका भी निर्माण इसी समय हुआ था। द कोणार्क टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड विथ ग्रेट फिनिश एंड वॉज शेप्ड लाइक अ चैरियट ड्रिवन बाय 7 horses। और इसकी बनावट इतनी बेहतरीन, और इसमें ये दिखाया गया कि भगवान सूर्य भगवान जो है उनके रथ के तरह इसकी डिज़ाइन की गई है, इसकी बनावट की गई है, जिसमें 7 जो हॉर्सेस है वो रथ को लेकर जा रहे हैं। इस तरह से ये टेम्पल बनाया गया। Among the other sun temples of India, the Martan temple of Kashmir and Modera sun temple of Gujarat are famous। इसके अलावा और भी सूर्य मंदिर जो हैं, जैसे कि जो मार्तन टेम्पल है कश्मीर का और मोडेरा सूर्य मंदिर जो है गुजरात का, दे आर ऑल्सो फेमस। और जो एक खासियत है मोडेरा सन टेम्पल की, इज डैट द फर्स्ट रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द आइडल। सूर्य की पहली किरण जो है वो इस मोडेरा सन टेम्पल जो है, वहाँ जो मूर्ति रखी हुई है उस पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है, ये इसकी खासियत है। The Ellora caves of the Deccan have caves representing 3 religions, Hinduism, Buddhism and Jainism। जो Ellora की गुफाएं जो है वो 3 धर्मों को represent करती है या 3 धर्मों का प्रतीक है, और वो है हिंदू धर्म,
जैन धर्म और बौद्ध धर्म। वन अमॉन्ग दीज इज द ग्रैंड कैलाश टेम्पल, और यहीं पर हमें एक बहुत बड़ा शिव मंदिर या कैलाश टेम्पल देखने को मिलता है। द एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई हैव अ ब्यूटिफुल थ्री फेस स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड शिवा, और मुंबई के पास ही एलिफेंटा केव्स जो है वहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति हमें देखने को मिलती है। द मीनाक्षी टेम्पल एट मदुरई इज फेमस ऑल ओवर इंडिया, और यहाँ पर साउथ इंडिया की जो मीनाक्षी मंदिर है वो भी काफ़ी फेमस है जो मदुरई में है। द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया आर स्पेशली वेल नोन फॉर देयर इम्पोजिंग गेट वेज कॉल्ड गोपुरम्स, और जो साउथ इंडिया के मंदिर हैं या दक्षिण भारत के मंदिर जो है वो काफ़ी फेमस है अपने गेटवेज के कारण या एंट्री गेट के कारण, जिसे गोपुरम्स भी बोला जाता है। आफ्टर हियरिंग अबाउट द फेम ऑफ सच ग्रैंड टेम्पल्स मैनी फॉरेन इन्वेडर्स केम टू लूट देम। द मैग्निफिसेंट सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात वॉज अटैक्ड मैनी टाइम्स, और इसीलिए बाहर के विदेशियों ने जब सुना कि भारत में इतने बेहतरीन मंदिर और इतने बेशकीमती मंदिर है जहाँ पर स्वर्ण या सोना चांदी ये सब रखा गया है, तो बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स जो थे बाहर से जो आक्रमण किए और लूटपाट की हमारे मंदिरों में, जिसका एग्जाम्पल है हमारे गुजरात राज्य का सोमनाथ मंदिर जो भगवान शिव का मंदिर है जिसे बहुत बार अटैक किया गया और लूटा गया।